नाम क्या है तेरा? कट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सिन्हा एंड यू आर विद साइंटिफिक सिन्हा। हमेशा ऐसा होता है कि सिमडेगा के कुछ कुछ टैलेंट्स के साथ मैं बातें करता हूँ, सिमडेगा के टैलेंट्स को निखारने की कोशिश करता हूँ। आज एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसान से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। आपने यूट्यूब में देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप सर्च कीजिएगा कमलेश, कमलेश लिखिएगा तो एक बच्चा आएगा जो कि भोपाल का है, और मैं आज उसका एक डुप्लीकेट खोज कर उससे बातें करूंगा और आपको मैं उसके साथ लाइव दिखाऊंगा। कुछ अच्छे बातें करेंगे, कुछ मजेदार बातें करेंगे। आपको मिलवाते हैं कमलेश से। बाबू कमलेश, क्या नाम है तेरा? कमलेश। थोड़ा कहाँ से आया है? रामगढ़। रामगढ़ में क्या करता है? कुछ नहीं। नहीं अभी तो सोचे नहीं है, कुछ करते तो नहीं है अभी। कुछ नहीं करता है? नहीं। कैसे आया? भाग के आया। वैसे तो भाग के आया। और घर में कौन कौन है? कोई नहीं, मैं घर में, मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। और कोई नहीं है घर पे? नहीं। क्रिकेट खेलता है? हाँ खेलते हैं कभी कभी। बैटिंग करता है कि बॉलिंग करता है? हम सिर्फ फील्डिंग करता है। खाली फील्डिंग करता है तुम? हाँ। बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करता है? नहीं। अच्छा, थोड़ा जोर से बोलेगा तब सुनाई देगा लोगों को। वो ऐसा क्या, हम आज तक खाना नहीं खाया इसलिए मैं आवाज नहीं निकल रहा। अच्छा, खाना नहीं खाया इसलिए आवाज नहीं निकल रहा है। कहाँ खाएगा? खैनी का जी, थोड़ा खैनी खाएगा। और खैनी के अलावा और क्या खाता है? गुटखा खाते हैं। और जो मिलता सब खा जाते हैं। जो मिलता है सब खा जाता है, खैनी गुटखा सब सब खाए खाता है। ये सब तो खराब चीज है, तो अब मैं आदत पड़ी है वो सबसे। और नहीं खाएगा तो क्या होगा? खून की उल्टियाँ होंगी। खून की उल्टी होगी? कहीं नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो क्या होगा? सांस नहीं ले पाऊंगा। कैसा लगता है कहीं? मीठा मीठा लगता है, थोड़ा थोड़ा मीठा लगता है। हाँ है। पॉकेट में क्या पकड़ा है? लिखा ये है। कैसे करता है इसको? ऐसे खोलेंगे। हाँ अभी मैं खत्म हो चुका है, देखिए खत्म हो गया है, पूरा खा गया। वो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, काहे खाता है ये सब तो खराब चीजें? सुने नहीं, ये बोलता जो उन लोग लिख रहा होता है, बाकी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत अच्छा चीज है। जो बोलता है वो खराब है। हाँ, इसे ताकत मिलता है। ताकत मिलता है? खैनी खाने के बाद कितना ताकत मिलता है तुमको? 100% ताकत मिलता है खैनी खाने के बाद। सुपरमैन बन जाता है तो? हाँ सुपरमैन बन जाते हैं। और क्या क्या खाता है? और गुटखा सब चीज खाते है। और कमला पसंद? नहीं वो नहीं, उसके यहाँ बिमल खाते है। और बिमल खाता है? बिमल से फेमस है तुम? दारू पीता है? नहीं। दारू नहीं पीता है? नहीं। अच्छा लगता है? कभी पी के देखा? कोई पिलाया तेरा दोस्त लोग? नहीं। कोई दोस्त में कौन कौन है तेरा? मैं दोस्त नहीं, हम सिर्फ अकेले रहते हैं। अकेले रहता है तुम? कोई दोस्त नहीं है तेरा? नहीं। अच्छा, कमजोर दिखता है खाने पीने में तो? भात चावल रोटी कुछ नहीं खाता है? कभी कभी खाते है। और कैसे करता है? पैसा कहाँ से मिलता है तुमको खैनी खाने के लिए? वो कचरा चुनते है ना, तो उसी से मिलता है। कचरा चुनता है तो उससे मिलता है? कितना पैसा मिल जाता है? दिन भर में 100 रुपये मिल जाता है। तो 100 रुपये का क्या करता है? 80 रुपये का सामान लेते हैं और 20 रुपये का रोटी खाते हैं। 20 रुपये का सामान? माने कौन सामान लेता है 80 रुपये का? खैनी गुटखा सब लेते हैं। खैनी गुटखा 80 रुपये का खा जाता है? हाँ। एक दिन में पूरा 80 रुपये लग जाता है? हाँ। 80 रुपये का खैनी खाता है, दिक्कत नहीं लगता है? नहीं। 80 रुपये समझता है? 80 रुपये कमाने में कितना समय लगता है तुम? 80 रुपये का खैनी गुटखा हम लोग सिर्फ 12 मिनट में कमा लेते हैं बेच के सिर्फ। 12 मिनट कबाड़ी वाला का कबाड़ी में का बेचता है? टूटा हुआ साइकिल, कुर्सी और टीना, ये सब बेचते हैं। और सब किसको बेचता है? कबाड़ी जो साइकिल से घूमता है ना लेने। हाँ, उसको बेच देता है। हाँ। उसको बिनता है और उसको बेच देता है। हाँ। अच्छा, कितना पैसा देता है तुमको?
वो देता है 80 रुपया, और दूसरा को देते का, जैसे दूसरा ठेला वाला में जाता है वो लोग देते, वो लोग 100 रुपया देता है। 100 रुपया देता है और 80 रुपया देता है। कभी ऐसा होता है कि कबाड़ी ले लिया तुमको पैसा नहीं दिया? नहीं ऐसा नहीं होता। मारपीट कभी होता है सब में कबाड़ी के लिए? हाँ होता है। किसके साथ मारपीट करता है? एक तो बूढ़ा आदमी ने दिया था और लेके भाग गया था। तेरे साथ लड़की लोग भी कबाड़ी चुनती है? बच्ची लोग, छोटी बच्ची लोग? तुम अकेले चुनता है? हाँ। कोई नहीं और दोस्त लोग कबाड़ी चुनता है? हाँ। धूप गर्मी बर्दाश्त हो जाता है? धूप गर्मी नहीं लगता है? धूप गर्मी बहुत लगता है लेकिन क्या करें, मजबूरी। दूसरा काम कहा नहीं करता? दूसरा काम भी तो कर सकता है। दूसरा काम में मजा नहीं आता है। और दूसरा काम मजा नहीं आता है? कबाड़ी चुनने में मजा आता है, अकेले खाने में मजा आता है, और दूसरा कोई काम मजा नहीं आता? अच्छा, और क्या क्या करता है, कुछ अपने बारे में बता। हम जो है रहते थे पैसे रहते हम रांची में, लेकिन वहाँ से हमको सब घर से भगा दिए, इसलिए हम रामगढ़ में है। हाँ। तो अभी ऐसे ही हमको लगा कि वहाँ पे अभी नहीं काम चल रहा है, इसलिए हम इधर भाग के आ गए। अभी इधर भाग के आ गया? हाँ। और कैसे आया? भाग के आया ऐसे। कहाँ चीज से आया? भाग के ट्रेन छुक 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 से आया। ट्रेन से आया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेन में चढ़ा था? हाँ, जो जिसमें कोयला जाता है ना वो ट्रेन। हाँ, में उसमें चढ़ के आया? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, डर नहीं लगा अकेले आने में? नहीं डर नहीं लगता। डर नहीं लगता है? नहीं। किसी चीज़ का डर नहीं लगता? किसी चीज़ का डर? ऐसा कुछ शेर भालू चीता नहीं, वो सब तो आज तक देखे नहीं है। नहीं देखा है? नहीं। तो डर का चीज़ है मतलब, किसी से तो डर लगता होगा? भूत से डर लगता है। भूत से डर लगता है? भूत कैसा होता है? काला काला होता है, डरावना होता है। काला काला होता है? कहाँ पहनता है भूत? सफेद कलर का धोती पहनता है। सफेद धोती पहनता है? कोई बाबा ऊपर भी तो हो सकता है? नहीं पता। तो अगर मान लो सफेद कलर का कोई चीज है तुम कैसे जाने का देखती हो भूत है? लोग का नाखून भी बड़ा बड़ा। नाखून बड़ा बड़ा होता है? पैर का कि हाथ का? दोनों का। दोनों हाथ बड़ा बड़ा होता है? और हवा में उड़ता रहता है। हवा में उड़ता है, तुम देखा है? हाँ। कहाँ पर देखा था? तो हम एक बार आए थे रामगढ़ से, जब इधर आए थे ना तब देखे थे। अच्छा, भूत देखा था? हाँ। तो देख के डर नहीं लगा? नहीं, कोयला था तो उसमें छिप गए थे। और कोयला में छिप गया था? तो भूत कोयला में नहीं देख पाया तुमको? नहीं ना, तो मैं चेहरा मिल रहा था उसे थोड़ा कोयला से। और कोयला से तेरा चेहरा मिल रहा था इसलिए नहीं देख पाया? बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार बातें करता। और क्या चाहिए, कुछ चाहिए खाने पीने के लिए? आज खाया कि नहीं खाया? नहीं, अभी खत्म हो गया। खैनी का बात नहीं करे, खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाना नहीं खाया। आज खाना नहीं खाएगा और खैनी खाएगा तो काम चल जाएगा? हाँ चल जाएगा। हाँ। खाना नहीं खाएगा तो चल जाएगा ना? हाँ। खैनी खाएगा तो चलेगा? हाँ। खाली खैनी खाएगा दिन भर? हाँ। स्कूल स्कूल पढ़ने वाने कभी गया कि नहीं गया? नहीं नहीं मजा आता है? नहीं। बाकी बच्चा लोग जाता है स्कूल तो तुमको देख के नहीं लगता है कि हम भी जाएँ थोड़ा पढ़े लिखे? ना नहीं पढ़ना, मजा नहीं आता है पढ़ने वाने में? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहाँ अच्छा लगता है और ये सब खैनी गुटखा कमला पसंद के अलावा और कहाँ अच्छा लगता है? मूवी देखता है? नहीं। फिल्म नहीं देखता है? अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा होके क्या करेगा? बड़ा के सोचे नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा। जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा, अभी नहीं सोचा है? नहीं। अभी कुछ प्लानिंग? शादी ब्याह कब करेगा? शादी भी करेगा? नहीं शादी नहीं करेंगे। काहे नहीं करेगा? शादी करने से क्या दिक्कत है? शादी करने से जैसे करेंगे तो फिर हमको ये सब करने नहीं देगा कोई भी घर वाला। तो वाइफ आएगी, शादी करेगा, वाइफ आएगी, तुम्हारा केयर करेगी, तुमको अच्छा अच्छा बना के खिलाएगी, भले खैनी नहीं खिलाएगी तो दिक्कत का है? नहीं बहुत दिक्कत है ना, फिर खून का उल्टी होने लगता है। अच्छा। चक्कर आने लगता है, सांस नहीं ले पाते हैं इसलिए। तो शादी करेगा तो तुम्हारा केयर करेगी तो बाकी चीज़ भी तो हो जाएगा, फिर तेरा बाल बच्चा हो जाएगा, परिवार बढ़ेगा। नहीं फिर पैसा नहीं कमा पाएंगे। नहीं कमा पाएगा? तो जो पैसा कमाएगा उसी से बाल बच्चा को पोस लेना, खैनी कैसे खाएगा? अरे ये मुद्दे का बात है कि फिर खैनी कैसे खाएगा ना? हाँ। मतलब खैनी खाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ। अच्छा ठीक है, वो कमलेश को जानता है भोपाल वाला? हाँ वो तो मेरा भाई है। तेरा भाई हो कमलेश? हाँ। अरे रे रे, उसके बारे में जानकारी नहीं था। उसके बारे में कैसे तुमको पता? तुम भोपाल से इधर रामगढ़ कैसे आ गया? हम लोग तो साथ में आए थे लेकिन वो मेरे साथ धोखा कर दिया, इसलिए हम इधर भाग के आ गए। कैसे धोखा कर दिया तुमने सर? हमको दिया नहीं था और खैनी ने दिया नहीं था, फिर भगा दिया। अच्छा कमलेश का वीडियो देखा है कि नहीं यूट्यूब में? नहीं देखे। नहीं देखा है? नहीं। हम तुमको दिखाएंगे, देखना तुम्हारा भाई का वीडियो है उसमें। ठीक है ठीक है। और कुछ चाहिए? कुछ चाहिए मेरे से? नहीं कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? और बाकी खुश है तुम अपना जिंदगी से? कुछ बदलाव नहीं चाहिए? नहीं। चलो ठीक, बहुत अच्छी बात, फिर से बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे तुमसे, कोई दिक्कत होगा तो कॉन्टेक्ट करना, खाना पीना खिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और अगर हो सकेगा तो शादी ब्याह कर लो? नहीं नहीं करना। नहीं। आज भी बहुत सारे जगहों में ऐसा होता है कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे बच्चे हैं जो इन सब का शिकार हैं, नशा का सेवन करते हैं, उनका ज़िंदगी बहुत अच्छे से नहीं कट पाता है। देखा जाए तो ये एक तरह का कोड है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत गलत तरीके से खुद को सर्वाइव कर रहे हैं।
हमारी जनता, हमारे प्रशासन इसके पीछे लगे हैं। इसके सुधार की आवश्यकता है, बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती और गलत शिकार में पड़ जाते हैं, गरीबी होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर कभी कुछ बच्चे ऐसे दिखते हैं, आपको भी अपने आस पड़ोस में चलते फिरते दिखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको सही राह पर लाएं। कोशिश कीजिए कि वो इस जो भटके हुए राह से हैं उसे दोबारा अपने सही राह पर आएं, कुछ बदलाव हो जाए। अगर आपके छोटे से समझाने से, थोड़ी से समय देने से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है तो ये एक बहुत छोटा सौदा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए और स्पेशली अपने विचारों का साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। We'll be right back.